नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ चॉपर्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो टाइप ए से लेकर टाइप ई तक जो पांचों प्रकार के चॉपर हैं वो किस तरह से काम करते हैं और ये क्लासिफिकेशन क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम चॉपर पर एक दूसरी वीडियो में जान चुके हैं कि चॉपर एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, जिसमें फिक्स्ड डीसी को हम स्विचिंग डिवाइसेस की मदद से, जिन्हें हम चॉपर कह रहे हैं, वेरिएबल डीसी में स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। जो स्विचिंग डिवाइसेस हम यूज करते हैं, चाहे वो थायरस्टर हो, चाहे जीटीओ हो या आईजीबीटी हो, ये सभी यूनिडायरेक्शनल हैं। इनमें धारा की दिशा एक ही रहती है, ये उल्टी दिशा में धारा वहन नहीं कर सकते। लेकिन हम इन स्विचिंग डिवाइसेस का अरेंजमेंट सर्किट में इस तरह से कर सकते हैं कि हम हमारे सर्किट में आवश्यकता अनुसार वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं, और इसी आधार पे एक चॉपर का क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, और इस कैटेगराइजेशन को हम टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई कहते हैं। जरा समझते हैं कि चॉपर का ये जो क्लासिफिकेशन या अलग अलग टाइप में जो विभाजन है वो किस तरह से कार्य करता है। चॉपर का टाइप ए से टाइप ई तक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेस्ड है लोड पे, वोल्टेज की पोलैरिटी पे या लोड में करंट की डायरेक्शन पर। अगर यहाँ चित्र में दिखाई गई पोलैरिटी को हम पॉजिटिव वोल्टेज पोलैरिटी और इस पॉजिटिव एंड पे करंट की एंट्री को पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन बोले, तो वोल्टेज को ऊर्ध्वाधर अक्ष और धारा को क्षैतिज अक्ष पे लेते हुए ये जो वर्टिकल वोल्टेज एक्सिस और हॉरिजॉन्टल करंट एक्सिस के साथ जो चार क्वाड्रेचर में मेरा ऑपरेशन है, उसे मैं यूं समझ सकता हूं कि ये पोलैरिटी पॉजिटिव वोल्टेज के साथ ये करंट पॉजिटिव करंट फर्स्ट क्वाड्रेचर में ऑपरेशन है, जैसा कि यहां टाइप ए में बताया हुआ है। अगर विभव की पोलैरिटी यही रहे और धारा जो यहां चित्र में दिखाई हुई है उससे उल्टी हो जाए और वो लोड के पॉजिटिव एंड से बाहर निकलने लगे, अर्थात लोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिटर्न करने लगे, तो ऐसा जो ऑपरेशन है वो सेकंड क्वाड्रेचर ऑपरेशन हुआ, जिसे कि यहाँ टाइप बी में दिखाया गया है। अगर मेरी विभव की पोलैरिटी उल्टी हो जाए, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया है, उससे उल्टी विभव की पोलैरिटी हो जाए और धारा की दिशा यही रहे, तो ऐसी स्थिति में भी लोड एनर्जी को रिटर्न करेगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेचर में ऑपरेशन होगा। और अगर मैं विभव की पोलैरिटी को उल्टा करके करंट को भी उल्टा कर देता हूं, तो इस समय लोड एनर्जी लेगा और ये थर्ड क्वाड्रेचर ऑपरेशन होगा। हमारे जो चॉपर हैं उनके क्लासिफिकेशन वो किस क्वाड्रेचर में काम करते हैं उसके आधार पे होते हैं। जरा समझते हैं इस क्लासिफिकेशन को। हमारे कुछ चॉपर सर्किट हैं वो सिर्फ एक ही क्वाड्रेचर में काम करते हैं, अर्थात उसमें लोड की विभव पोलैरिटी और लोड में करंट की डायरेक्शन फिक्स होती है। जैसे क्लास ए चॉपर है, जिसमें पॉजिटिव वोल्टेज में करंट एंटर करती हुई ये फर्स्ट क्वाड्रेचर का ऑपरेशन हुआ। ऐसे क्लास ए या टाइप ए चॉपर के साथ अगर कोई डीसी मोटर काम कर रही है, तो उस मोटर के इस ऑपरेशन को हम फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन भी कहते हैं, और इस कंडीशन में हमारा लोड सप्लाई से चॉपर की मदद से एक कंट्रोल्ड वोल्टेज की पावर लेता है। एक दूसरा सिंगल क्वाड्रेचर ऑपरेशन टाइप बी है, जिसमें विभव जो पॉजिटिव सिरा है लोड का, वहां से करंट को बाहर निकाल रहा है, अर्थात लोड अपनी एनर्जी को वापस सोर्स को दे रहा है। और इस तरह के ऑपरेशन में अगर कोई मोटर है जो टाइप बी चॉपर के साथ यहाँ सेकंड क्वाड्रेचर में काम कर रही है, तो हम उसे कहते हैं कि वो फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड है, और ब्रेक के दौरान मोटर एक जनरेटर का काम करेगी, और इस तरह से जो मोटर के द्वारा जो इनर्शिया की एनर्जी है वो वापस डीसी सप्लाई सोर्स को रिटर्न होती है और मोटर पे ब्रेक लगते हैं। इस तरह की ब्रेकिंग को हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। हम एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जिसमें क्लास ए और क्लास बी चॉपर मिलकर टाइप सी चॉपर हो गए हैं, और ऐसी मोटर जो टाइप सी चॉपर के साथ चल रही है वो फॉरवर्ड एक डायरेक्शन में मोटर की जैसे कंट्रोल्ड स्पीड के साथ भी चल सकती है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कर सकती है। और इस केस में जब वो फर्स्ट क्वाड्रेचर में ऑपरेट होगी तो वो सोर्स से पावर ले रही होगी, और जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में काम करती है तो वो सोर्स को वापस एनर्जी देती है। जिस तरह से क्लास सी दो क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड में काम करता है, उसी तरह से क्लास डी चॉपर भी दो क्वाड्रेंट में काम करते हैं। जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करते हैं तो वो सोर्स से लोड को एनर्जी सप्लाई करते हैं, और जिस समय वो फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करते हैं तो उस समय
लोड में धारा की दिशा तो वही रहती है, लेकिन लोड के अक्रॉस वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाती है और लोड सोर्स को वापस एनर्जी देने लगता है, और ऐसा चॉपर टाइप डी चॉपर कहलाएगा, जो अपने सर्किट को फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ऑपरेट करता है। दोनों में करंट की डायरेक्शन लोड में सेम रहती है, जबकि जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बदल जाती है। एक ऐसे चॉपर की भी कल्पना की जा सकती है सर्किट की, जो चारों क्वाड्रेंट में यानी दोनों लोड की वोल्टेज पोलैरिटी और दोनों करंट डायरेक्शन के साथ ऑपरेट कर सकता है। ऐसा सर्किट जब फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो लोड एनर्जी ले रहा होता है, और जब वो सेकंड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में यूज होता है तो लोड से एनर्जी सोर्स को जाती है। और ऐसा चॉपर जो चारों क्वाड्रेंट में काम करे, जैसा यहाँ पर्पल फ्रेम में दिखाया हुआ है, वो क्लास ई चॉपर कहलाता है। जरा एक एक चॉपर को और उनकी वर्किंग और सर्किट को समझ लेते हैं। हमारा एक साधारण स्टेप डाउन चॉपर, जिसमें एक चॉपिंग स्विच आरएल लोड के साथ सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है, और लोड के करंट को कंटिन्यूटी बनाते हुए जब चॉपिंग स्विच ओपन हो तो फ्री व्हीलिंग डायोड करंट की कंटिन्यूटी बनाता है। ऐसे स्टेप डाउन चॉपर में लोड की वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से चॉपिंग ड्यूटी साइकिल के हिसाब से कंट्रोल करके किसी भी मान पे रिड्यूस की जा सकती है, और ऐसे सर्किट में जो ये पॉजिटिव वोल्टेज है वहां करंट एंटर करता है, और ये जो हमने परंपरागत चित्र बनाया था पॉजिटिव वोल्टेज पोलैरिटी के साथ, ये पॉजिटिव करंट की कंडीशंस, वोल्टेज भी यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में है और करंट भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेशन है सर्किट का, जहाँ लोड को हम वेरिएबल रिड्यूस वोल्टेज सोर्स से देते हैं और लोड पावर ले रहा है, किसी मोटर के लिए अगर यही ऑपरेशन हो, ये इस तरह की अगर ये बैक ईएमएफ के साथ हमारा ये मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल हो, तो लोड की जगह अगर एक मोटर हो तो इस तरह के चॉपर सर्किट के मोटर ऑपरेशन को हम फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। तो जो क्लास ए या टाइप ए चॉपर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है, वो एक साधारण स्टेप डाउन चॉपर है, और यहाँ लोड के पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल पे करंट एंटर करता है, अर्थात लोड को पावर मिलती है, और एक मोटर के लिए ये फॉरवर्ड मोटरिंग मोड हो गया। टाइप बी चॉपर भी टाइप ए चॉपर की भांति एक ही क्वाड्रेंट में काम करता है, लेकिन यहाँ धारा की दिशा टाइप ए फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर की बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में अलग तरह से है। जैसे हमने पढ़ा है कि टाइप ए चॉपर में विभव की जो लोड पर पॉजिटिव पोलैरिटी होती है वहां सोर्स से करंट एंटर करता है, अर्थात लोड को पावर मिलती है, जबकि टाइप बी चॉपर में लोड की पॉजिटिव वोल्टेज पोलैरिटी से करंट बाहर निकलता है, अर्थात लोड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर सोर्स को जाती है। मेरी विभव की पोलैरिटी को अगर मैं पॉजिटिव मानूं और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए, तो ऐसा जो ऑपरेशन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन हुआ, और एक इलेक्ट्रिक मोटर के लिए इस तरह के ऑपरेशन को हम फॉरवर्ड ब्रेकिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो टाइप बी चॉपर है वो हमारी इलेक्ट्रिक डीसी मोटर को रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में ऑपरेट करवा सकता है। जरा समझते हैं कि टाइप बी चॉपर के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर की रीजनरेटिव ब्रेकिंग किस प्रकार होती है। कल्पना करें कि हमारी कोई डीसी मोटर डीसी सप्लाई से चल रही थी और हमें इसे ब्रेक लगाते समय इसके इनर्शिया की एनर्जी को कंजर्व करना है, तो हमने ब्रेकिंग से तत्काल पहले एक चॉपर स्विच की मदद से एक सीरीज के हैवी इंडक्टर के साथ मोटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो मोटर के आर्मेचर में जो रोटेशन के कारण ईएमएफ जनरेट होगा, मोटर अपने इनर्शियल लोड के कारण एक जनरेटर की भांति कार्य करने लगेगी, और उस जनरेटेड ईएमएफ से इस इंडक्टर में करंट इंक्रीज होगा और मोटर की एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी। जब हमें मोटर पे जो एनर्जी है उसे सोर्स पे वापस करना है तो हम इस चॉपर स्विच को खोल देंगे, और हमने पढ़ा है कि जिस तरह से हमारा स्टेप अप चॉपर काम करता है, इंडक्टर अचानक जब स्विच को खोलेंगे तो अपने करंट को घटाएगा और यहाँ वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाएगी, और यहाँ की वोल्टेज आर्मेचर की वोल्टेज के साथ जुड़कर और ज्यादा वोल्टेज की सोर्स को इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करके फीड कर देगी, और आप पाएंगे कि हम लोड के पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल से करंट को बाहर निकाल के और लोड की एनर्जी को सोर्स को फीड कर रहे हैं, और इस तरह से हमारा जो चॉपर सेकंड क्वाड्रेंट में काम करता है वो एक साधारण स्टेप अप चॉपर हो सकता है, और इसे हम टाइप बी चॉपर कहते हैं।
टाइप सी चॉपर एक दो क्वाड्रेंट ऑपरेशन वाला चॉपर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में काम करता है। हम कह सकते हैं कि जो सी टाइप चॉपर है वो टाइप ए चॉपर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है और टाइप बी चॉपर जो सेकंड क्वाड्रेंट में काम करता है उनका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। जरा यहाँ समझ लेते हैं। अगर यहाँ ये चॉपर स्विच वन और इस डायोड वन के साथ हम इस लोड की वर्किंग को इस सोर्स के साथ समझें तो ये एक साधारण स्टेप डाउन टाइप ए चॉपर हो गया है। स्विच को क्लोज करने पर सप्लाई वोल्टेज लोड को मिलेगी और पॉजिटिव एंड पे करंट एंटर करेगा। हमें ड्यूटी साइकिल के हिसाब से वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना है तो हम इस स्विच को ऑफ करेंगे और जब इस स्विच को खोल दिया जाएगा ऑफ कर दिया जाएगा तो जो इंडक्टिव लोड का ये जो करंट है वो इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू लोकल लूप में सर्कुलेट होगा। डायोड लोड को शॉर्ट सर्किट कर देगा तो लोड की वोल्टेज शून्य हो जाएगी। तो हम ड्यूटी साइकिल के हिसाब से स्टेप डाउन वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और ये चॉपर स्विच 1 और डायोड D1 के साथ वोल्टेज की पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ करंट का एंटर होना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ये लाल स्क्वायर में हमने दिखाया है ऑपरेशन हो गया। अभी इसी चॉपर स्विच को हम सेकंड क्वाड्रेंट में काम में ले सकते हैं और इसके लिए हमें चॉपर स्विच 1 और D1 के बजाय चॉपर स्विच 2 और D2 का प्रयोग करना होगा। जब हम चॉपर स्विच 2 को क्लोज कर देंगे तो ये जो एक्टिव लोड है उसकी जो पॉजिटिव एंड से करंट का इस शॉर्ट सर्किट पाथ में फ्लो इस इंडक्टर में एनर्जी को स्टोर कर देगा और अचानक हम ड्यूटी साइकिल के हिसाब से इस स्विच को जब ओपन करेंगे तो इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो करंट को डिक्रीज करते समय अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगी और वो इस वोल्टेज के साथ जुड़कर ज्यादा वोल्टेज के सोर्स को भी करंट को D2 डायोड को फॉरवर्ड करके उल्टी डायरेक्शन में वापस सोर्स को फीड कर देगी और इस समय लोड अपनी एनर्जी सोर्स को दे रहा है और ये सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो जाएगा। तो ऐसा चॉपर जिसमें दो चॉपर ऑपरेशंस टाइप ए और टाइप बी कंबाइंड कर दिए गए हैं इसे हम क्लास सी चॉपर कहते हैं। और ऐसे जो क्लास सी या टाइप सी चॉपर सर्किट्स हैं वो एक मेरी डीसी मोटर को एक डायरेक्शन में कंट्रोल्ड स्पीड के साथ चलाने और ब्रेक लगाते समय रीजनरेटिव ब्रेकिंग जब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में काम करेंगे तो दोनों ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हैं। तो ये एनर्जी एफिशिएंट डीसी मोटर के कंट्रोल में टाइप सी चॉपर का बहुत इस्तेमाल होता है। टाइप डी चॉपर भी टाइप सी चॉपर की भांति ही दो क्वाड्रेंट में काम करने वाले चॉपर हैं। जहां टाइप सी चॉपर में विभव की पोलैरिटी नहीं बदलती थी और चॉपर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में धारा की दिशा बदलता हुआ काम करता था, उसी तरह से टाइप डी चॉपर में करंट की डायरेक्शन लोड में नहीं बदलती है लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी बदलती है। जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है तो लोड एनर्जी लेगा सोर्स से और जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेगा तो धारा तो उसी दिशा में रहेगी लेकिन लोड वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाएगी और लोड अपनी एनर्जी को वापस सोर्स को फीड करेगा। चॉपर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉम्बिनेशन में काम करता है उसे टाइप डी चॉपर कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह के चॉपर का काम बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जब हम इस टाइप डी चॉपर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस्तेमाल करते हैं तो चॉपिंग स्विच 1 को हमेशा क्लोज रखते हैं और चॉपर स्विच 2 को जब हम क्लोज करेंगे तो सोर्स से करंट मैजेंटा तीर की दिशा में लोड के पॉजिटिव एंड पे एनर्जी को सप्लाई करता हुआ फ्लो करेगा। जब मैं कंट्रोल्ड आउटपुट के लिए ड्यूटी साइकिल के हिसाब से चॉपर स्विच 2 को ओपन करूंगा तो लोड का करंट डायोड D2 को फॉरवर्ड बायस करता हुआ लोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी लोकल डेसिपेट होगी और इस तरह से एक साधारण स्टेप डाउन चॉपिंग ऑपरेशन से हम फिक्स्ड डीसी वोल्टेज से यहां रिड्यूस्ड वेरिएबल वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे टाइप डी चॉपर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेशन हो गया। जब हमें ऑन टाइम है तो चॉपर 1 और चॉपर 2 दोनों चालू हैं और सोर्स की वोल्टेज लोड को मिल रही है और जब ऑफ टाइम है तो चॉपर 2 स्विच ओपन हुआ है और लोड शॉर्ट सर्किट होकर 0 वोल्टेज के साथ रह गया है और ड्यूटी साइकिल के हिसाब से वोल्टेज का कंट्रोल हो सकता है। इसी टाइप डी चॉपर का क्वाड्रेंट फोर्थ में ऑपरेशन दोनों चॉपर स्विच 1 और 2 को क्लोज करने पर लोड
बोर्ड में सोर्स से वोल्टेज अप्लाई होकर एनर्जी का इनपुट हो रहा है। अगर हम दोनों चॉपिंग स्विच को एक साथ ओपन कर देंगे तो लोड की करंट दोनों डायोड को फॉरवर्ड बायस करती हुई अपनी पोलैरिटी वोल्टेज की बदल के पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव वोल्टेज करके और करंट को वापस सोर्स को फीड कर देगी। अगर हमारी ड्यूटी साइकिल ऑन टाइम 50% से ज्यादा है तो हमारा एवरेज मूवमेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और अगर हमारा ऑन टाइम तो कम है और ऑफ टाइम चॉपर स्विच का ज्यादा है तो एनर्जी का फ्लो रिटर्न ज्यादा करेगा। तो हमारी जो ड्यूटी साइकिल उसके हिसाब से ये जो टाइप डी चॉपर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। अगर ड्यूटी साइकिल 0.5 से ज्यादा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहा है, और अगर ड्यूटी साइकिल 0.5 से कम है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में काम कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोड एनर्जी लेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में लोड एनर्जी देगा। दोनों ही क्वाड्रेंट में लोड में करंट की डायरेक्शन सेम रहती है लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वोल्टेज के साथ पॉजिटिव करंट है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में करंट तो पॉजिटिव रहा लेकिन वोल्टेज नेगेटिव हो गई। एक टाइप डी चॉपर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ड्यूटी साइकिल 0.5 से ज्यादा है, ऑपरेशन को वेवफॉर्म से समझते हैं, जब हमने दोनों चॉपर स्विच 1 और 2 को एक साथ क्लोज कर दिया है तो इस टाइम को हम ऑन टाइम कहते हैं और जो सोर्स वोल्टेज है वो लोड पे आ गई है और लोड में करंट लगातार बढ़ता है। इस समय जो लोड करंट है वही सोर्स करंट है और वही दोनों स्विच का करंट। ड्यूटी साइकिल के हिसाब से हमने दोनों स्विच को जब ओपन कर दिया है, ऑफ टाइम शुरू हुआ है, तो आप देखेंगे कि लोड में करंट गिरने लगेगा, डायरेक्शन तो वही रहेगी लेकिन ये डिक्रीज होने लगेगा। ऐसी स्थिति में लोड के अक्रॉस वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाएगी। आप देख रहे हैं लोड की वोल्टेज नेगेटिव पोलैरिटी की हो गई है, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और लोड से एनर्जी सोर्स को जाने लगेगी, लेकिन जो एनर्जी जाने का समय है वो छोटा है और एनर्जी पाने का समय ज्यादा है, तो एवरेज एनर्जी पॉजिटिव है। तो जो लोड है वो इफेक्टिवली एनर्जी ले रहा है लेकिन ड्यूटी साइकिल के हिसाब से हम उसकी एनर्जी अमाउंट या एवरेज पावर कंज्यूम्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। जरा इसी को ड्यूटी साइकिल 0.5 से कम करके और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कैसे चला जाता है समझ लेते हैं। क्लास डी चॉपर के चॉपिंग स्विच को अगर ड्यूटी साइकिल 0.5 से कम में चलाते हैं तो ऑन टाइम में जब चॉपर के स्विच क्लोज्ड है तो आप देखेंगे कि जो सोर्स वोल्टेज है वो लोड पे आ गई है और लोड में करंट को इंक्रीज मिलेगी। इस समय सोर्स करंट भी पॉजिटिव है और सोर्स से लोड को पावर मिल रही है, पर हम ड्यूटी साइकिल के हिसाब से जब चॉपर स्विच को ओपन कर देंगे तो आप पाएंगे कि करंट डिक्रीज होगा और करंट के डिक्रीज के समय लोड में करंट तो उसी डायरेक्शन में रहेगा लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी और आप देखेंगे कि सोर्स में करंट उल्टा हो जाएगा और अब लोड की एनर्जी वापस सोर्स को मिलने लगेगी और हमारा इफेक्टिव ऑपरेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। टाइप ई चॉपर चारों क्वाड्रेंट में काम करने वाला चॉपर है। हमने जाना था कि टाइप ए और टाइप बी चॉपर है वो सिर्फ एक क्वाड्रेंट में काम कर रहे थे और टाइप सी और टाइप डी दो क्वाड्रेंट में काम कर रहे थे। टाइप ई चॉपर दो टाइप डी चॉपर का कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन में एक सर्किट हो सकता है जिसमें एक पोलैरिटी के साथ जो सोर्स है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में काम करता है और अगर हम इस वोल्टेज की पोलैरिटी बदल देते हैं एक्टिव लोड की तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेगा। जब ये चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या ये चॉपर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो लोड सोर्स से एनर्जी ले रहा है और ये एक साधारण स्टेप डाउन चॉपर जैसा व्यवहार है, और जब ये चॉपर सेकंड क्वाड्रेंट में काम करेगा या ये चॉपर फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेगा तो ये एक स्टेप अप चॉपर जैसी एक्टिविटी हो जाएगी और लोड से एनर्जी सोर्स को फीड होगी। जरा समझते हैं कि ये चारों क्वाड्रेंट में किस तरह से काम करता है। पहले बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के ऑपरेशन। एक टाइप ई चॉपर में ये चार चॉपर स्विच प्रयोग किए गए हैं और चारों चॉपर स्विच के एंटी पैरेलल यहां फ्लाईबैक डायोड लगाए गए हैं और यहां ब्रिज के डायगोनल में ये एक्टिव लोड है। इस चॉपर के फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन में हम चॉपर स्विच चार को हमेशा क्लोज रखते हैं। चॉपर स्विच 1 से हम हमारे आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करेंगे और जो चॉपर स्विच 2 और 3 है वो ओपन है। जब हम चॉपर 1 को क्लोज कर देंगे तो लोड पर सोर्स के बराबर वोल्टेज अप्लाई हो जाएगी ऑन टाइम में और लोड एनर्जी लेगा। जब हम इस चॉपर को ड्यूटी साइकिल के हिसाब से ओपन करेंगे तो जो लोड है उसका करंट डायोड D2 के साथ शॉर्ट हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगी। तो हम इस चॉपिंग ड्यूटी साइकिल
साइकिल को, चौपर वन की ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके लोड के आउटपुट वोल्टेज को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में टाइप ई चॉपर एक साधारण स्टेप डाउन चॉपर की जैसे व्यवहार कर रहा है। जरा इसी चॉपर के सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन को समझते हैं। यही टाइप ई चॉपर सिर्फ एक चॉपर स्विच दो की मदद से सेकंड क्वाड्रेंट में एक साधारण स्टेप अप चॉपर जैसे व्यवहार करता है और बाकी तीनों चॉपिंग स्विच ओपन है। जब हम चॉपर टू को ऑन करेंगे तो इस एक्टिव लोड की जो सोर्स वोल्टेज है वो इंडक्टर के अक्रॉस इस शॉर्ट सर्किट पाथ में डायोड D4 के थ्रू करंट को इंक्रीज करेगी। ड्यूटी साइकिल की गणना के अनुसार अचानक जब चॉपर 2 ओपन किया जाएगा तो इंडक्टर का करंट डिक्रीज होगा और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पोलैरिटी बदलेगी और D4 और D1 के मार्फत लोड की एनर्जी सोर्स में फीड हो जाएगी इंक्रीज होकर। तो हम कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज को सप्लाई कर देंगे, जिस तरह से कि हम एक साधारण स्टेप अप चॉपर में करते थे। तो हमारा ये जो बैटरी कनेक्शन है इसके साथ हम हमारे चॉपर को फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों क्वाड्रेंट में इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज की पोलैरिटी वही रही और जब इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम किया तो पॉजिटिव करंट फ्लो हुआ और अभी जब हम देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जब इस चॉपर को हम अचानक खोलते हैं तो इंडक्टर से जो एनर्जी जनरेट होती है वो करंट को उल्टा फ्लो कर देती है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में काम करता है। अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी को बदल दें तो यही चॉपर सर्किट चॉपिंग स्विचेस के साथ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेगा। जरा समझ लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में इस्तेमाल के दौरान चॉपर 2 जो स्विच है वो हमेशा ऑन रहेगा और ड्यूटी साइकिल का कंट्रोल चॉपर 3 स्विच से होगा। 1 और 4 हमेशा ओपन रहेंगे। जब हमने चॉपर 3 स्विच को ऑन कर दिया है तो सोर्स की जो वोल्टेज है वो इस DV वोल्टेज से उल्टी पोलैरिटी के साथ यहां लोड पर अप्लाई हो गई है और करंट भी हमारा चॉपर 3 और चॉपर 2 के साथ इस कन्वेंशनल डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होने लगा है। तो वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है और हमारा ऑपरेशन थर्ड क्वाड्रेचर में इस लोड को एनर्जी दे रहा है। ड्यूटी साइकिल के हिसाब से जब मैं इसे ओपन करूंगा, ऑफ टाइम करूंगा, तो मेरा जो लोड में करंट है रेड एरो से दिखाया हुआ वो चॉपर 2 स्विच और D4 के थ्रू लोड को शॉर्ट सर्किट कर लेगा। तो हम इस चॉपर 3 की ड्यूटी साइकिल के हिसाब से लोड में थर्ड क्वाड्रेंट में इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को और पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और ये एक साधारण स्टेप डाउन चॉपर की जैसे बिहेव कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर इसी चॉपर को हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में इस्तेमाल करना है तो सिर्फ 4 नंबर चॉपिंग स्विच का प्रयोग होगा, बाकी तीनों स्विच ओपन रहेंगे। ये हमारी पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन है और फोर्थ क्वाड्रेंट में करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाएगी। जरा समझते हैं कि ऑपरेशन कैसे होगा। मैंने चॉपर स्विच 4 को ऑन किया तो सोर्स की जो एक्टिव वोल्टेज है वो इंडक्टर में अप्लाई होके शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इंडक्टर के करंट को इंक्रीज करके और एनर्जी को स्टोर करेगी। अचानक ड्यूटी साइकिल के गणना के हिसाब से चॉपर 4 को जब ओपन किया जाएगा तो इंडक्टर में करंट डिक्रीज होते समय पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और हमारी वोल्टेज उल्टी पोलैरिटी के साथ उसी डायरेक्शन के करंट को D3 और D2 डायोड के साथ सोर्स को फीड कर देगी और ये एक स्टेप अप चॉपर जैसा काम हो जाएगा और कम वोल्टेज के लोड से भी ज्यादा वोल्टेज के सोर्स को एनर्जी फीड हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन वही रही, वोल्टेज की पोलैरिटी उल्टी हो गई है तो हमारा जो ऑपरेशन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। तो ये जो जटिल सा सर्किट है वो चारों क्वाड्रेंट में काम कर देता है और इसे हम टाइप ई चॉपर कहते हैं। आज की वीडियो में हमने सभी तरह के चॉपर को समझा है और ये परीक्षा का बड़ा प्रचलित प्रश्न है। हमें लगता है कि आपकी विषय समझ भी अच्छी हुई है और एक दोहरान से आप परीक्षा की भी बढ़िया तैयारी कर सकेंगे। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।